मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, मैप्स। और अभी इसी में देखिए, जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें बात की थी सिंबल उसके डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंबल्स। सिंबल देखिए, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप। अब ये तीसरा प्रमुख कॉम्पोनेंट है, ठीक है, मैप में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज और डिफरेंट फीचर्स सच एज ए बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन और वेल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी मैप पर हम उसके एक्चुअल जो शेप है, ठीक है, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि अब विभिन्न प्रकार के, अब जैसे इसमें बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग है, सड़कें हैं, ठीक है, ब्रिज है, ब्रिज मतलब पुल है, और ट्रीज है, रेलवे लाइन है, कुएं को दिखाना उस पर मैप पर दिखाना मतलब पॉसिबल नहीं है। सो दे आर शोन बाय द यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ना कुछ लेटर्स हैं हमारे पास में, ठीक है, कुछ प्रतीक जो चिन्ह हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ तो हमारे पास में लेटर्स हैं, कुछ शेड्स हम ऐसे यूज़ करते हैं, कुछ कलर्स हैं उनके थ्रू, जैसे ब्लू कलर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस एरिया में पानी है, और ग्रीन से वो क्या है, ग्रास लैंड है। दीज सिंबल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। आप देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या है, ये क्या है कि मतलब कि उनको ये प्रतीक है ना, कम स्थान पर अधिक जानकारी हमें प्रदान कर सकते हैं। अब विद द यूज दी सिंबल्स मैप कैन बी ड्रॉ इजीली एंड और सिंपल टू रोड। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि अब क्या, इसको दिखाने के लिए देखिए, इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मैप को और आसानी से, देखिए अब जिसमें क्या है उस पर आसानी से इसे खींचा जा सकता है, इन प्रतीकों को उस पर बनाया जा सकता है, सिंबल्स को। इवन इफ़ यू डू नॉट नो लैंग्वेज एंड एरिया एंड देयर फोर कैन नॉट आस्क समवन फॉर द डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये है कि जो ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है, ठीक है, उन इंफॉर्मेशंस को अब क्या, इनका आसानी से उनको अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जिसकी लैंग्वेज को आप नहीं जानते, तो क्या आप किसी भी जो डायरेक्शन के बारे में उसे मतलब नहीं जान पाएंगे या नहीं पूछ सकते, तो आप क्या करते हैं, आप इन सिंबल्स का यूज़ करके वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। अब क्या जो मैप है ना, अब उसकी क्या, इसको मतलब ये क्या, इसके बताया कि ये जो लैंग्वेज यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है, इसको क्या है, सभी इस तरह की लैंग्वेज बना दी कि सभी इसको मतलब समझ पाएँ, इसकी लैंग्वेज की मतलब मैप की भाषा को सब समझ पाएँ। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या, जिसे सभी आसानी से समझ सकें, इन सिंबल्स का उपयोग के संबंध में ये क्या, हमें इंटरनेशनल मतलब एग्रीमेंट या एग्रीमेंट हुआ है, इसके मतलब सहमति मिली हुई है, ठीक है। अब देखिए, सम ऑफ कन्वेंशनल सिंबल आर शोन द, अब ये इसमें देखिए, ये जो बताया कि कुछ जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, अब इन्हें हम मतलब कि अब 4.3 जो फिगर है उसमें दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर ए सेम पर्पस, फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू कलर इज़ यूज फॉर ए वाटर बॉडी। अब मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि ब्लू कलर किसके लिए यूज़ होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू कलर है वाटर बॉडीज़ के लिए, ब्राउन है माउंटेन्स के लिए, येलो जो कलर है वो प्लेट्यू के लिए, एंड ग्रीन कलर ग्रासलैंड या प्लेन्स के लिए यूज़ होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके जो कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ये देखिए रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का कहीं पर भी देखिए स्टूडेंट्स, ये आए ना तो रेलवे लाइन्स के बारे में तो आपको पता चल जाएगा रेलवे लाइन्स का। ये देखिए इस तरह के आपको बने दिखाई देंगे पटरियाँ सी, जैसे आपको जहाँ जहाँ मैप में ऐसे आपको पता चल जाएगा इस साइड ये रेलवे लाइन्स के हैं। फिर है रोड, रोड के लिए सिंपल ऐसे लगा होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स,
फिर है इंटरनेशनल बाउंड्री, जहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री होगी वहाँ इस तरह के सिंबल्स होंगे। उसके बाद देखिए फिर आपके ये देखिए स्टूडेंट्स ये सिंबल्स बताए हैं, और ऐसे ही जहाँ पर रिवर है, वेल है, टैंक है, ये देखिए आपको ब्लू कलर्स के बारे में बताया है। देखिए वेल के लिए राउंड शेप दी हुई है, और रिवर्स के लिए ये देखिए एरियाज आपको, ऐसे ही जो टेंपल, चर्च, मॉस्क्यू, इनके लिए ये वाले सिंबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये देखिए आपको पता है ये इसमें ये देखिए स्टूडेंट्स ये वाला है जो माउंटेंस के लिए है, और ऐसे ही आपको पोस्ट ऑफिस के लिए, और ये देखिए पीओ, फिर है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, पीएस पुलिस स्टेशन, और फिर देखिए सेटलमेंट, देखिए ग्रेवियार्ड्स के लिए ये वाला एरिया है, वैसे ही ट्रीज़ और ग्रासलैंड के लिए ये वाला है। ठीक है, ये आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा जब आप कभी कोई आप मैप देखना, किसी मैप में आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में स्केच। स्केच देखिए, स्केचेस में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए स्केचेस में है ए स्केच इज ए ड्रॉ मेनली बेस्ड ऑन ए देखिए मेमोरी एंड स्पोर्ट्स ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ए टू स्केल। आप जो देखिए ये क्या है, ये स्केच है ड्रॉ मेनली बेस्ड है मतलब कि याददाश्त और या जो लोकल जो एरिया या स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है आधारित है। समटाइम्स ए रफ ड्रॉइंग ए रिक्वायर्ड ऑन ए एरिया टेल वेयर पार्टिकुलर प्लेस इज ए लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। अब क्या कभी कभी किसी क्षेत्र के एक जो मतलब बताया कि देखिए रिक्वायर्ड है कि रफ बना लिया जाता है, रफ जो एरिया बनाकर बनाने की आवश्यकता है वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब दिखाने के लिए ये रफ एरिया मान लिया जाता है। या मान लीजिए कि आपने किसी मित्र के घर जाना है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, सपोज कीजिए आपको उसके घर पे जाना है, तो बट यू डू नॉट नो द वे, आप उसका रास्ता नहीं उसके घर का जानते हैं, तो योर फ्रेंड मे मेक ए रफ ड्राइंग। आपको आपका फ्रेंड क्या करेगा, एक रफ ड्राइंग बनाकर बताएगा कि मेरा घर इस साइड है। ठीक है, आपको एक मतलब रास्ता बताने के लिए वो एक अपनी नोटबुक पे या कहीं ड्रॉ करके आपको बताऊगा बता देगा कि आप ना इस यहाँ जाइए, इस गली में जाइए, या फिर आप इस तरफ मुड़िए तो लेफ्ट राइट, ये सारा आपको वो मतलब एक कच्चे तौर पर या रफ तरीके से आपको वो बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के जो बनाए जाते हैं ना, ये देखिए शो सच एज ए रफ ड्राइंग, जो सच ये जो रफ ड्राइंग की जाती है विदाउट स्केल, एंड इसको क्या बोलते हैं, स्केच मैप बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है प्लेन। प्लेन में देखिए स्टूडेंट इसमें है ए प्लेन, देखिए ए प्लेन इज ए ड्राइंग इज ए स्मॉल एरिया ए लार्ज स्केल, ये एक छोटे से क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया, ठीक है, खींचा क्या ड्राइंग की गई है। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स ए लॉट इन्फॉर्मेशन, लार्ज में स्केल मैप वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम विच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब लेकिन क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी आपको मान लो किसी आप एक कोई रूम है उसकी आपको लेंथ ब्रेथ जाननी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए लेंथ ब्रेथ जानता है तो उसे क्या है आप मानचित्र पर या जो मैप है उस पर नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉ ए स्केल कॉल्ड ए प्लेन। आप फिर आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप एक जैसे एक पेपर लोगे उस पर आप उसको ड्रॉ करके बता दोगे कि इसका इतनी लेंथ है इतनी ब्रेथ है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर आज ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसके आपके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, और बाकी जो कुछ भी इसका मैटर है वो मैं अभी आपको देखती हूँ और वो मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।